आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर पैसे आपने जीते हैं, यानी कि आपने टीम विनिंग किया है और आपने बहुत सारा यहां पर पैसा जीता हुआ है। तो आखिरकार अपने पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 878 रुपये जीते हुए हैं और इन पैसे को हम बैंक में लेना चाहते हैं तो कैसे हम ले सकते हैं। और यहां पर आपको वो अमाउंट दिखाई देगा जिस अमाउंट को आपने अपने बैंक से ऐड किया होगा, तो इस अमाउंट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपने बैंक में। यहाँ पर आपका जो अमाउंट दिखाई देगा विनिंग में, तो ये वाला आप अपना अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाता है विड्रॉल इंस्टेंटली का विकल्प और आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें आपको अपना KYC भी करना होता है। अगर आपने यहाँ पर जीते हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपने अभी तक जीते नहीं हैं तो फिर भी आपको KYC करना पड़ेगा, तभी आपका जो वैलेट का पैसा होगा, विनिंग का पैसा होगा, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैलेंस का और अपने बैलेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक विकल्प दिखाई देगा माई KYC डिटेल्स का, तो इसे KYC के डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर वेरीफाई, उसके बाद दिखाई देगा ईमेल एड्रेस वेरीफाई, यहाँ पर दिखाई देगा पैन कार्ड वेरीफाई, यहाँ पर मिलेगा आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है, यानी कि वेरीफाई का मतलब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल देना है, वेरीफाई हो जाएगा। आपके ईमेल पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल देना है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होता है, अगर आपको नंबर नहीं पता है तो एक फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका जो IFSC कोड क्या है। अगर हम इस पर क्लिक करके दिखाएं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपका वही अकाउंट नंबर रीएंटर होगा, यहाँ पर आपका बैंक का IFSC कोड पड़ेगा, यहाँ पर आपके बैंक का नाम क्या है, आपके बैंक का ब्रांच नाम क्या है और आपका स्टेट क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक प्रूफ अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो इतनी जानकारी देना है। और यहीं पर आपको एक सबमिट का विकल्प मिल जाएगा सबसे नीचे, और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कम से कम 1 या 2 घंटे का समय लगेगा और आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोई गलत जानकारी देंगे तो फिर आपका KYC कंप्लीट नहीं होगा। अब यहां से आ जाते हैं बैंक और एक जानकारी और दे देते हैं। आप ये ना सोचिए कि हमारा ये वाला मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड में हमारे बैंक में लगा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नंबर आपके लगा हो बैंक में या नहीं, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है और जो आपका पैन कार्ड नंबर है उसमें जो नेम है वो आपका सेम होना चाहिए, यानी कि जिसका पैन कार्ड अपलोड करेंगे उसी का बैंक अकाउंट यहां पर लगेगा। अब आपको यहां पर मिल जाता है विड्रॉल इंस्टेंटली और आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहां पर आपको दिखाई देगा आपका बैंक जो यहां पर ऐड किया होगा, यहां पर आपका विनिंग अमाउंट दिखाई देगा, यानी कि जो आपने जीता हुआ है। अब आप मिनिमम 50 रुपए भेज सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ और 3 या 4 या 5 करोड़ तक आप मैक्सिमम यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार में। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि मिनिमम 50 रुपए है, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे और हम यहां पर डाल देते हैं 800 रुपए, यानी कि 800, और यहां पर हमारे पास है 878 रुपए। आप विड्रॉल नाउ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद मिलेगा कन्फर्म बटन और आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद दिखाई देगा विड्रॉल अमाउंट डन, यानी कि आपको यहां पर 5 मिनट का समय लगेगा, और जैसे आपका 5 मिनट हो जाएगा उसके बाद आपका जो पेमेंट होगा आपके बैंक में चला जाएगा। अब यहां से हम अपना क्या करते हैं, जीमेल ओपन करके आपको दिखाते हैं कि हमारे जीमेल पर भी एक मैसेज आया होगा। यहाँ पर आ गया है ये मैसेज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो यहाँ पर ये मैसेज लगा हुआ है कि आपका विड्रॉल इन प्रोसेस, और यहाँ पर आप टाइम देख लीजिएगा, यानी कि 12:22 हुए हैं। हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और हमारे पास एक अभी फिर से मैसेज आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 मिनट टाइम हुआ है, क्योंकि मैंने 22 पर आपको दिखाया था, अभी यहाँ पर 23 हुआ है और यहाँ पर मैसेज आया हुआ है ड्रीम इलेवन की तरफ से, और इसमें आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल सक्सेसफुली और आपके ये पैसे आपके बैंक में चले गए हैं।
और हमारे पास मैसेज में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, विड्रॉल सक्सेसफुली। तो बस आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 1 या 2 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट का, और आपका सारा पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। अब आपको यहां पर दिखाई देगा कि हमारा बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से अपने पैसे को आप विड्रॉल कैसे करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।